रिंकू के साथ नाइंसाफी क्यों यार? मतलब होता है ना कि इंग्लिश खिलाड़ियों पर जमकर पैसा बहाया जाता है। हैरी ब्रूक इंग्लिश नाम होता है ना उनका, इंग्लैंड से आते हैं तो 13 करोड़ 25 लाख उनको दे दिए जाते हैं। सैम करन इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, चलिए दाव लगा देते हैं, पैसे को पानी की तरह बहा देते हैं और 18.5 करोड़ देकर उनको आईपीएल के इतिहास का, इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी इंग्लैंड के इस प्लेयर को बना दिया जाता है। उसके बाद एक और खिलाड़ी आता है, वो भी हाई रेपुटेशन लेके आता है, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी कैमरन ग्रीन, 17.5 करोड़ रुपए इनको भी दे दिए जाते हैं। सैम करन को जब पैसा दिया जाता है ना तो नैसवाडिया कहते हैं कि यार हम तो इसके आगे भी जा सकते थे, हमने अपनी सारी जो थ्रेशोल्ड थी वो खोल दी थी, इनके ऊपर हम और पैसा बहा सकते थे लेकिन हमको सैम करन चाहिए थे। फिर बात आती है रिंकू सिंह की, 80 लाख, मतलब 80 लाख रुपए उस खिलाड़ी को जिसके आंकड़े बता देते हैं कि नहीं यार ये इससे ज्यादा डिजर्व करता है, ये डिजर्व करता है उस नाम में आना, उस लिस्ट में आना जिसमें शायद अच्छे खिलाड़ियों की बात होती है, जिसमें शायद महंगे खिलाड़ियों की बात होती है। मैं हैरी ब्रूक की बात करूंगा, 2023 में 11 मैच खेले थे इस खिलाड़ी ने और उस 11 मैच में 1 शतक लगाया था, 1 में 100 रन बनाए, जो बचे 10 मैच थे उसमें 90 रन बनाए थे। टोटल आईपीएल में 190 रन इन्होंने बनाए थे और 100 हाईएस्ट रहा था। एवरेज कितने का है, एक मैच में 100 का, बाकी में 10 का एवरेज, और ओवरऑल एवरेज 21 का एवरेज इस खिलाड़ी का, और इस खिलाड़ी ने 13 करोड़ 25 लाख रुपए लिए थे 123 के स्ट्राइक रेट से खेलने के बाद। 4 छक्के लगाए थे, 13 करोड़ में 13 छक्के भी नहीं लगा पाया था ये, 23 चौके लगा के गया था, देख लिया 1 शतक, उसके अलावा सिर्फ 90 रन पूरे सीजन में दोस्त, 90 रन पूरे सीजन में। सैम करन की बात करता हूं, 18.5 करोड़ इस खिलाड़ी को दिए गए थे, 14 मैच 2023 में खेले, 2023 की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये इनका 18.5 करोड़ वाला सीजन था, इसमें 3 बार ये नॉट आउट रहे थे, 14 मैच के अंदर 276 रन बनाए थे, 55 इनका हाइएस्ट था और 27 के करीब का एवरेज, 27.5 का एवरेज लेके 18.5 करोड़ लिए थे इन्होंने और 135 का स्ट्राइक रेट था, 20 चौके 13 छक्के, 1 करोड़ के हिसाब से भी छक्का नहीं मारा था, 18 करोड़ लेके 13 छक्के मार रहे हो। 2021 के सीजन पे आता हूँ, 22 वाले में थे नहीं, आप कहते हो ना एक रेपुटेशन आती है, रेपुटेशन के साथ आते हैं, तो पिछले मैच सीजन में 21 वाले सीजन में 9 मैच खेले थे, 56 रन बनाए थे, 18 का एवरेज था, 3 छक्के लगाए थे, 193 का स्ट्राइक रेट जरूर था, लेकिन आप बात करेंगे 18 करोड़ एकदम से पीक पर पहुंचा दिया जाता है। कैमरन ग्रीन, इनके तो आईपीएल में आने से पहले ही चर्चा थी कि भाई ये खिलाड़ी बहुत ज्यादा पैसे लेके जाने वाला है, ये खिलाड़ी बहुत दम दिखाने वाला है, ऑलराउंडर है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों करता है, धुआंधार काम करता है, ठीक है। 17.5 करोड़ इन्होंने लिए, 16 मैच खेले, ही हैज एन आउटस्टैंडिंग सीजन। 2023 का जो आईपीएल सीजन था बहुत शानदार रहा था कैमरन ग्रीन का, 452 रन बनाए, मुंबई इंडियंस की रीढ़ की हड्डी की बनकर साबित हुए थे, शतक भी लगाया, 50 से ऊपर का एवरेज, 160 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, 40 चौके 22 छक्के, परफेक्ट बाय फॉर एमआई, क्योंकि उस सीजन में एमआई में सिर्फ कैमरन ग्रीन और टिम डेविड ही चल रहे थे, तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि ठीक है ही इज अ ग्रेट बाय, बट 17.5 करोड़ जब इनको दे दिए जाते हैं तो रिंकू सिंह 80 लाख। अब आता हूं 80 लाख के खिलाड़ी के आपको आंकड़े बताता हूं और आप ये जो करोड़ों वाले खिलाड़ी थे ना इनको देखना और 80 लाख के खिलाड़ी को देखना। 14 मैच खेले थे, 474 रन, सबसे ज्यादा रन, इससे ज्यादा रन नहीं बनाए किसी ने, 67 हाईएस्ट, 59.2 का एवरेज, करीब 60 का एवरेज किसी खिलाड़ी का नहीं था करोड़ों वाले का, 150 के करीब का स्ट्राइक रेट, 31 चौके और 29 छक्के, नहीं मारे किसी ने इतने छक्के, नहीं मारे थे दोस्त। उसके बाद इसको 80 लाख में रिटेन किया जाता है। ऐसे में सवाल आता है कि क्या इंडियन प्रीमियर लीग को इंडियन टैलेंट पर पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्या इंडियंस पर पैसा नहीं बहाना चाहिए? कैमरन ग्रीन अब आरसीबी में है, 17.5 करोड़ लेंगे, उसी टीम में इंडिया के लेजेंड, मॉडर्न डे क्रिकेट लेजेंड, उसको 15 करोड़ मिलेंगे, विराट कोहली की मैं बात कर रहा हूं। आप इंडियंस की बात करते हैं, इंडियंस पर पैसा नहीं बहाया जाता है, हम बड़े शौक से जो टीम के मालिक हैं उनको पैसा बहाते देखते हैं, फॉरेन प्लेयर्स पर उम्मीदें बहुत ज्यादा की जाती है ना उनसे। आप आयुष बदोनी की बात करेंगे, आप साई किशोर की बात करेंगे, आप अनुज रावत की बात करेंगे, आप कार्तिक त्यागी की बात करेंगे, नहीं पैसा बहाया जाता दोस्त इनके ऊपर। लेकिन जब बाहर से कोई खिलाड़ी आता है उसके ऊपर करोड़ों बहाने से पहले कोई नहीं सोचता, और बल्कि बोला जाता है कि हमने ले लिया इतने में बहुत अच्छा लग रहा है हमें लेके, अगर जरूरत पड़ती तो और भी पैसा बहा सकते थे। आपको क्या लगता है, क्या रिंकू सिंह इससे ज्यादा डिजर्व नहीं करते थे? क्या रिंकू सिंह करोड़ों वाली लिस्ट में आना
नहीं डिजर्व करते थे। अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप भी चाहते हैं कि हाँ रिंकू सिंह डिजर्व करता है तो रिंकू सिंह के लिए लाइक करते हुए जरूर जाएं।